नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मोरेटोरियम के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दूं, काफ़ी सारे लोग दोस्तों अपने इंडिया में हैं जो मोरेटोरियम को लेकर परेशान हैं दोस्तों। और इस पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर जारी कर दिया है कि इस पे जो भी इंटरेस्ट लग रहा है इसको दोस्तों माफ़ किया जाए। बट दोस्तों अभी दोस्तों ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। इसका दोस्तों पूरा फुल अपडेट दोस्तों 20 मई के पहले पहले दोस्तों आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी कस्टमर लोग का मोरेटोरियम एक्टिवेट हुआ है, जैसे कि जो कंपनियां मोरेटोरियम दी है, जैसे बैंक हो गया और कंपनी हो गई, कस्टमर को मोरेटोरियम दी है दोस्तों, तो इस पर क्या है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट का इंटरेस्ट दोस्तों लग रहा है। अगर दोस्तों बैंक में पैसे नहीं है, 200-500 रुपये कस्टमर अगर रखे हैं तो वो ECS बाउंसिंग चार्ज चला जा रहा है। तो दोस्तों इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दोस्तों किया है। और दोस्तों आप लोगों को अभी कुछ टाइम बाद ही, कुछ दिन बाद दोस्तों आप लोग को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों इसमें जो भी मोरेटोरियम पे इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों, इस पे आप लोग को शायद माफ़ कर दिया जा सकता है दोस्तों। और इसके बाद जो डेट है ये और इंक्रीज होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों कस्टमर को मोरेटोरियम के नाम पे दोस्तों बहुत सी कंपनियां ने लूट लिया है। दोस्तों जैसे कि अगर मान लो कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखा है, मान लो अभी दोस्तों लॉकडाउन है, कंपनी बंद है, सैलरी रिसीव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों अगर कंपनी के अकाउंट में 1,000-3,000 रुपया खाने पीने के लिए पड़ा है, तो ये जो कंपनियां हैं दोस्तों ऐसा फ्रॉड काम कर रही हैं, बैंक में ECS भेज दे रही हैं। और दोस्तों जितनी बार ECS जा रहा है बैंक उसको हिट कर रहा है और ECS बाउंसिंग चार्ज भरते भरते कस्टमर परेशान हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अकाउंट में पैसा पहले से नहीं है, कस्टमर ये बात जानते हैं, बैंक भी जानती है, कंपनी भी जानती है कि लॉकडाउन COVID-19 है, फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब दोस्तों आप लोग वेट करो और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने देश का कानून जो है आप लोगों को राहत दे और आप लोग के इस प्रॉब्लम को दूर करे और आप लोग जो इस दर्द से गुजर रहे हो उसको जो है अच्छे से मिला जुला के लोगों को एक साथ लेकर चले। बट दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मोरेटोरियम के नाम पे दोस्तों राहत दिए हैं, बट दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी है इतना लूट लिए, इतना लूट लिए दोस्तों कि शायद मैं बयान नहीं कर सकता। बट दोस्तों एक बात सत्य है कि मच्छर अगर दोस्तों काटते हैं तो ओनली मलेरिया होता है, बट दोस्तों ये लोग इस तरीके से हमला कर रहे हैं कि आदमी ना घर का हो रहा है ना घाट का हो रहा है दोस्तों, बीच में अटका है। इस तरीके से दोस्तों ये ECS भेज के पैसा उड़ा रहे हैं, जो है ECS बाउंसिंग चार्ज और पिलांटी चार्ज। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत बड़ा फैसला दोस्तों आप लोग के पक्ष में आ सकता है, वो भी 20 मई के पहले पहले। तो दोस्तों जो लोग भी इस चीज़ को लो दोस्तों परेशान है, टेंशन में है दोस्तों, तो मैं उनको दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं दोस्तों। आप लोग को दोस्तों आना है ट्विटर पे और दोस्तों यहां पे दोस्तों आप लोग को एक तरफ से RBI को दोस्तों ट्वीट करना है, जो भी कंपनी आपको परेशान कर रही है आपको RBI को दोस्तों लिखना है, एक लेटर लिखना है, आप ट्विटर पर ही आपको पूरी कहानी आपको बता देना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक कंपनी हमें परेशान कर रही है दोस्तों। और आपको दोस्तों कुछ टाइम बाद दोस्तों आपको रिप्लाई भी आएगा और आपका हेल्प भी होगा। दोस्तों एक बात सत्य है कि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस दोस्तों जो लोग बच जा रहे हैं दोस्तों, वो एक कंपनियों से नहीं बच पा रहे हैं कि दोस्तों ये इस तरीके से लूट रही है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। ये रियलिटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों RBI से और इसके बाद अपने देश के कानून से कि जितने भी कस्टमर ने लोन लिया है सबको दोस्तों राहत मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसे नहीं है, कंपनी जॉब सैलरी सब कुछ ऑफ है, बंद है, कुछ भी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए दोस्तों दाने नहीं है, तो लोन लोग कहाँ से पे करेंगे। तो दोस्तों आप लोग दोस्तों वेट करो और दोस्तों हो सकता है कि इसमें उम्मीद है कि आप लोग के पक्ष में अच्छी खबर आ सके। दोस्तों जैसे आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा, बट दोस्तों एक बात सत्य है कि इस पे दोस्तों कोर्ट जो है फैसला जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों कोर्ट इतना निर्दयी नहीं है, वो भी जानता है अपने जनता और अपने इंडिया के देश के जो वासी हैं उनके बारे में दोस्तों अच्छी तरह कोर्ट जानता है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, वेट करो, जो होगा अच्छा होगा। बाकी हम भी उम्मीद रखें दोस्तों आगे क्या होगा, क्या
प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। बस इतना ही कहना दोस्तों, आप लोग ट्यूट करो और पूरी तरीके से दोस्तों आप लोग बने रहो और देखो आगे क्या होता है, बस इतना ही कहना था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और दोस्तों में शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।